हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की फॉर सक्सेस। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस जून 2018 टू दिसंबर 2018 के अपडेट्स। और इसमें हमने जो सबमिट्स और कॉन्फ्रेंस कवर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से बहुत सारे सबमिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ ऐसे सबमिट्स हैं जो होने वाले हैं, उनको भी हमने इस वीडियो में अपडेट किया है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो देखते हैं सबसे पहले सिक्स्थ ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग एंड 15th इंडिया आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। ये दोनों ही मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग है, यानी मंत्री स्तरीय मीटिंग है। और भारत की तरफ से ये दोनों समिट्स कौन अटेंड करने गया था? भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी वाणिज्य उद्योग मंत्री, और जिनका नाम है सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु एविएशन मिनिस्टर भी हैं, यानी उड्डयन मंत्री भी हैं साथ साथ। और ये कहाँ पे आयोजन हुआ है? सिंगापुर में। और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही होती है और सिंगापुर की करेंसी डॉलर होती है। फोर्थ बिम्स्टेक समिट 2018 की अगर बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर और इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोर्थ बिम्स्टेक समिट 2018 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो इसका आंसर है काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी होती है। और इस सम्मेलन की अगर बात करें मेन फोकस था किस पे? काउंटरिंग टेररिज्म पे, और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और व्यापार को बढ़ावा देना। तो ये तीन चीजें थी, काउंटर टेररिज्म, रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये आयोजन किया गया था। और इसकी थीम अगर देखा जाए तो इसकी थीम है टुवर्ड्स अ पीसफुल प्रॉस्पेरस सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। यहां पे अगर बिम्स्टेक की अगर बात करें तो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। अगर 7 सदस्यों की बात करें तो 7 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी होती है। फर्स्ट WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये एक वैश्विक स्तर का ये सम्मेलन है जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? WHO के द्वारा। और WHO के द्वारा ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है? एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ से, यानी वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य से संबंधित ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पहली बार WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? जिनेवा में। और जिनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न होती है और करेंसी स्विस फ्रैंक होती है। WHO की अगर बात करें तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO की हेड की अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम है टेड्रोस एधनॉम। इंडिया US डायलॉग, यानी भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में डायलॉग हुआ है जो ऑर्गेनाइज किया गया है भारत की तरफ से फिक्की के द्वारा। और ये पहली बार किससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइज किया गया है? ये डायलॉग हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, और कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा से संबंधित भारत और अमेरिका के बीच ये पहला डायलॉग है। और ये IP पॉलिसी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी को बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए या एक दूसरे के सहयोग के लिए ये और डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था। और फिक्की की अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। 109th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO की अगर बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था वो बहरेन की राजधानी मनामा में। और मनामा में भारत की तरफ से जो डेलीगेशन को लीड करने गए थे वो थे टूरिज्म मिनिस्टर यानी पर्यटन मंत्री, जिनका नाम है KJ अल्फोंस। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना, यानी विश्व स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा देना। और भारत की तरफ से कौन गया था? टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? KJ अल्फोंस। और कहां पे हुआ था? बहरेन की राजधानी मनामा में। और बहरेन की जो करेंसी होती है वो दिनार होती है। और UNWTO की अगर बात करें जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है और मैड्रिड राजधानी है स्पेन की। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली के एरो सिटी में हुआ है, जिसकी थीम रखी गई है न्यू डिजिटल हॉरिजॉन्स। और इसमें खास तौर पे मोबाइल टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है, केस स्टडीज और वर्कशॉप पे फोकस किया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। 38th इंडिया जापान समिट 2018 की अगर बात करें तो भारत और जापान के बीच ये 13वां सम्मेलन है, जो कहां पे आयोजन किया गया है? इसका टोक्यो में। तो टोक्यो में इसका आयोजन किया गया है, और टोक्यो राजधानी होती है किस देश की? जापान की। और जापान की करेंसी येन होती है। और ये जो इंडिया जापान समिट हुआ है वो किस चीज पे फोकस करता है या किस चीज से रिलेटेड है? हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ये समिट आयोजन किया गया था, इन चीजों पर फोकस किया गया था। सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर यानी PHC टूवर्ड्स UHC एंड SDG। यहां पे सबसे पहले समझ लेंगे USC होता क्या है। तो USC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएनओ के द्वारा शुरू की गई 15 वर्षीय कार्यक्रम है, जिसकी ड्यूरेशन है 2015 से 2030, और इन 15 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 17 लक्ष्यों को हासिल करना है, और इन 17 लक्ष्यों में एक लक्ष्य है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या ब्रह्मांड स्तर पे सबको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक एजेंडा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को फुलफिल करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर की जरूरत पड़ेगी, और भारत की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करने गया था, तो जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा। और ये इसका आयोजन कहां पे हुआ था, अस्ताना में, और अस्ताना किस देश में है, कजाकिस्तान, और अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी होती है। और इसकी थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो याद रखिएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए जो यूएससी और एसडीजी के टारगेट को पूरा करता है, इसके लिए जो आयोजन की गई थी समिट्स का, वो कहां पे आयोजित की गई थी, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कृषि कुंभ 2018 की अगर बात करें तो इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है, लखनऊ, और लखनऊ राजधानी होती है उत्तर प्रदेश की। और इसका मेन मोटो है डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, यानी भारतीय किसानों की आय को दोगुना करना कब तक, 2022 तक। और इसमें विटनेस के तौर पर जो टॉप इकोनॉमीज रही हैं इसराइल और जापान, और इसराइल की कैपिटल जेरूसलम होती है, और इसराइल की करेंसी शेकेल होती है, और जापान के बारे में अभी में बताए हैं। और इसके जो पार्टनर स्टेट हैं इस कृषि कुंभ 2018 के, तो हरियाणा और झारखंड, हरियाणा और झारखंड इसके पार्टनर स्टेट्स हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के साथ एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पे भी साइन किया गया है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2018 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, और ये 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये इसकी जो थीम रखी गई वो कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट, और इसका जो एम है वो है डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो ये भी किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जो किसानों की आय को कब तक दोगुना कर दिया जाएगा, ये भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक। 10th न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया, जितेंद्र सिंह ने। और ये जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं किस चीज के, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के। और इसका आयोजन कहां पे किया गया है, नई दिल्ली में, और इसकी थीम क्या रखी गई थी, न्यूक्लियर पावर टुवर्ड्स अ क्लीन एंड बेस लोड एनर्जी। फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग अमॉन्ग इंडिया अफगानिस्तान एंड ईरान, तो ये पहला ट्राइलेटरल यानी तीन देशों के बीच ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये तीन देश कौन है, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। और इसका आयोजन कहां पे किया गया था, तेहरान में, और तेहरान किस देश की राजधानी है, ईरान की। और ये खास तौर पे किस पे फोकस कर, ये सम्मेलन किस पे फोकस करता है, चबहार पोर्ट पे। चबहार पोर्ट से भारत, ईरान और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये ट्राइलेटरल मीटिंग की गई थी, और ये पहली मीटिंग थी इन तीन देशों के बीच। 27th IAEA फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस यानी FEC 2018, और यहाँ पे IAE का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, और वियना राजधानी होती है ऑस्ट्रिया की। और IAEA फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2018 जो आयोजित की गई थी वो गुजरात के गांधीनगर में, और गांधीनगर राजधानी होती है, कैपिटल होती है गुजरात की। और इस पे फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए सोर्स ऑफ एनर्जी को तैयार करने के लिए इसमें बातें की गई हैं। G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग यानी G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की व्यापार से संबंधित और निवेश से संबंधित मंत्री स्तरीय की मीटिंग कहां पे हुई है 2018 की, तो इसका आंसर है अर्जेंटीना में। और ये ग्लोबल कॉमर्स यानी विश्व स्तर पे वाणिज्य और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक क्रांति को लाने के लिए ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस यानी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का चौथा सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड, और नीदरलैंड की कैपिटल जो होती है एम्स्टर्डम होती है, और करेंसी यूरो होती है। और भारत की तरफ से ये कौन इनॉग्रेट किया था, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर आयुष, आयुष मिनिस्टर ने किया था या आयुष मंत्री ने किया था, और इस समय आयुष राज्य मंत्री कौन है, श्रीपद येसु नायक है। श्रीपद येसु नायक इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष। और आयुष की अगर बात करें तो आयुष में कई चीजें शामिल है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इन 5 चीजों को मिलाकर ये मिनिस्ट्री बनाया गया है। और ये
नीदरलैंड और नीदरलैंड के पड़ोसी देशों और यूरोपियन कंट्रीज में आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये आयोजन किया गया था, फोर्थ इंटरनेशनल आयुर्वेद कांग्रेस का। इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें 2018 का, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में अमिताभ कांत, जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, किस आयोग के, नीति आयोग के, और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत ने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस 2018 का उद्घाटन किया, और ये कहाँ पे उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, और इसमें खास तौर पे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए ये आयोजन किया गया था। अब अगर कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर करती है, तो उसको ट्रिपल पी मॉडल कहते हैं, और ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट 2018 का आयोजन कहां पे किया गया था, लंदन में, और ये इसको अटेंड करने कौन गए थे, भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इनका नाम है थावरचंद गहलोत, और इसमें डिसेबिलिटी से संबंधित या दिव्यांगता से संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 2+2 डायलॉग 2018 की अगर बात करें, तो ये पहला 2+2 डायलॉग था भारत और अमेरिका के बीच, जो अभी हाल ही में हुआ है, और कहां पे हुआ है, नई दिल्ली में। और 2+2 डायलॉग उसे कहते हैं जब दो देशों के दो मंत्रालयों के बीच कोई एग्रीमेंट या एमओयू या कोई डायलॉग हो। तो दो मंत्रालय कौन होते हैं, तो एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है और दूसरी होती है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो जब दो देशों के बीच डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बीच साथ साथ डायलॉग हो, तो उसको 2+2 डायलॉग कहते हैं। तो अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच ये डायलॉग एस्टेब्लिश हुआ है। 20th सार्क समिट 2018 की बात करें, तो ये होने वाला है कहां पे, श्रीलंका में, और श्रीलंका की राजधानी अगर देखा जाए तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, और श्रीलंका की करेंसी रुपीज होती है, और श्रीलंका के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंदा राजपक्षे, और श्रीलंका को पहले सेलोन के नाम से भी जाना जाता था, तो श्रीलंका का पुराना नाम है सेलोन। और यहाँ पे सार्क की बात हो रही है, तो 20वां यह सम्मेलन होगा, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा सम्मेलन था, तो 20th, और ये सार्क समिट जो 2018 में होगा वो कहां पे होगा, श्रीलंका में। और सार्क की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th ब्रिक्स समिट, यानी 11वां ब्रिक्स समिट जो होने वाला है 2019 में होगा, तो ये नेक्स्ट ईयर होगा। इस साल जो हुआ है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ 2018 में, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इस स्लाइड में वो है 2019 की समिट की, और वो 11th होगा, और ये कहां पे होगा, ब्राजील में। ये इसका जो समिट होता है वो रोटेट होता रहता है, जैसे अभी 2016 में इंडिया में हुआ था, 2017 में 17 में चाइना में हुआ, 2018 में साउथ अफ्रीका में, तो अगला 2019 का कहाँ पे होगा, ब्राजील में, और 2020 का कहाँ होगा, रसिया में। तो ये नामों के अनुसार ये रोटेटरी सिस्टम है इसमें। और अगर बात करें हम इन पांच देशों के समूह ब्रिक्स की, तो ब्राजील की जो कैपिटल होती है ब्राजीलिया होती है और करेंसी रियल होती है, रूस की कैपिटल मॉस्को होती है और करेंसी रूबल होती है, और इंडिया की बात आप लोग जानते ही हैं। चाइना की अगर बात करें, तो चाइना की बीजिंग होती है कैपिटल, और करेंसी युआन और रेनमिनबी भी होती है, और साउथ अफ्रीका की कैपिटल जो तीन होती है, लेकिन खास तौर पे यहां प्रिटोरिया की बात की जा रही है, और करेंसी जो होती है वो साउथ अफ्रीकन रैंड होती है। अगला जो है 33rd यानी 33वां आसियान समिट 2018 कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो सिंगापुर में। तो ये सिंगापुर में आयोजित होगा, और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही होती है, और करेंसी डॉलर होती है। और आसियान की फुल फॉर्म की अगर बात करें, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, और जकार्ता राजधानी होती है इंडोनेशिया की, और इंडोनेशिया की करेंसी रुपीज होती है। और इसमें सदस्यों की संख्या की अगर बात करें, तो सदस्य देश होते हैं 10, तो 10 देशों का ये समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है। G20 समिट्स या ग्रुप ऑफ 20 समिट्स की अगर बात करें 2018 की, तो ये ऑर्गेनाइज होगा ब्यूनस आयरिस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्यूनस आयरिस की राजधानी होती है किस देश की, अर्जेंटीना की। और ये G20 समिट्स की अगर बात करें, तो ये ग्रुप 20 देशों का समूह होता है, और 20 देश कौन होते हैं, 19 कंट्रीज होते हैं, और साथ में एक जो मेंबर होता है यूरोपियन यूनियन। तो 19 देश और एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन मिलके 20 देशों 20 ग्रुप कहलाते हैं, 20 ग्रुप्स कहलाते हैं। इस वजह से G20 होता है, और हर साल ये समिट होता है। तो इस साल कहां पे होगा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरिस में। तो आप लोग मेरे चैनल को या इस पीडीएफ को फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, और फेसबुक का लिंक आपके सामने है। और मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।